हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे 1 मार्च 2019 के करंट अफेयर्स। ठीक है, फर्स्ट है आपका हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका आंसर है न्यू दिल्ली। ठीक है, सेकंड है थीम ऑफ 2019 नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे किस दिन होता है? नेशनल साइंस डे होता है 28 फरवरी को, कल था। ठीक है, उसकी थीम बतानी है, वो है साइंस फॉर द पीपल एंड पीपल फॉर साइंस। साइंस फॉर द पीपल एंड द पीपल फॉर साइंस। थर्ड है आपका न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल बुक ट्रस्ट। नेशनल बुक ट्रस्ट NBT के नए चेयरमैन का नाम क्या है? गोविंद प्रसाद शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट है द क्रिकेटर हु रिसीव्ड द नाइटहुड एट बकिंगम पैलेस। ठीक है, क्रिकेटर हु रिसीव्ड द नाइटहुड एट बकिंगम पैलेस, तो ये मिला है एलेस्टर कुक को। ठीक है, एलेस्टर कुक क्या थे? फॉर्मर मतलब पहले पहले के इंडियन क्रिकेट टीम के ओपनर थे। ठीक है, इन्हें क्वीन एलिजाबेथ ने दिया है नाइटहुड। नाइटहुड एक वहां का प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच स्कीम इज लॉन्च्ड बाय यूनियन HRD मिनिस्ट्री फॉर प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इंडस्ट्री अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी जो है कौन सी स्कीम स्टार्ट की गई है प्रोवाइड करने के लिए अप्रेंटिसशिप। ठीक है, इंडस्ट्रियल अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड करने के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की है यूनियन HRD मिनिस्ट्री ने? तो स्कीम का नाम है श्रेयस। श्रेयस के फुल फॉर्म है आपकी स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स। ठीक है, स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स। ठीक है, ये है आपके इसके फुल फॉर्म। नेक्स्ट है इंडिया की रैंक बतानी है इन द फेसबुक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 3i 2019। ठीक है, तो इंडिया की रैंक है इसमें, इंडिया की रैंक 100 कंट्रीज ली गई थी, तो 100 में से इंडिया की रैंक है 47th रैंक है इंडिया की। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट क्रिकेटर टू क्रॉस द 8000 रन इन T20s। फर्स्ट क्रिकेटर कौन बना है जिसने क्रॉस की हो T20 में 8000 रन? तो वो है सुरेश रैना। नेक्स्ट है नेक्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन NID का इनॉग्रेशन कौन सी सिटीज में हुआ है? भोपाल एंड जोरहट। ठीक है, भोपाल एंड जोरहट दो सिटीज में NID का इनॉग्रेशन हुआ है। नेक्स्ट वर्ल्ड्स मोस्ट एथिकल कंपनीज का टैग किसे मिला है? वर्ल्ड्स मोस्ट एथिकल कंपनीज का में जो शुमार है वो हुई है, वो है टाटा स्टील। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट नया रेलवे जोन बना है, नया रेलवे जोन। ठीक है, नया रेलवे जोन बना है आंध्र प्रदेश, जो कंसीडर हो रहा है सदर्न कोस्ट रेलवे जोन। ठीक है, सदर्न कोस्ट रेलवे जोन जिसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में, नया रेलवे जोन। ठीक है, तो ये थे आज के करंट अफेयर्स आपके। अगर आपको मेरी वीडियो और भी मेरी वीडियोस हैं रिगार्डिंग RRB JEE की, फिजिक्स की, ठीक है, और प्रीवियस करंट अफेयर्स की और भी सारी इन्फॉर्मेशन की, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, और भी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।